फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 एंड -4 रिस्पेक्टिवली. ओके, और ये क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है. देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या लिखेंगे, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको बच्चों. वी नो दैट इफ 0s ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर गिवन, ठीक है, देन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज. ओके, तो देखिए यहां पे जो एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस. ओके, फिर यहां पे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, हमने ये लिखा है यहां पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. देखिए बच्चों कहना क्या जा रहा है, हम जानते हैं वी नो दैट इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर गिवन. जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर क्या है 3 एंड 4. हमें क्या है, जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर गिवन है, दिए हुए हैं, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगा. देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, बीच में ये माइनस का साइन है, किसका साइन है, माइनस का साइन, फिर हमारा ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोज, ब्रैकेट के अंदर है सम ऑफ जीरोज, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमारा सम ऑफ जीरोस है, बीच में यहाँ प्लस का साइन है, फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जीरोस क्या है हमारे पास, जीरोस हमारे पास क्या है, एक 3 है और दूसरा क्या है, जीरोस माइनस का 4, ये है. अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इस इक्वेशन में जीरो रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 3 प्लस माइनस 4, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 इंटू माइनस 4, हमने यहाँ पे ये लिखा. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हमें क्या देगा, 3 एंड माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4 हो गया, यहाँ पे x है, 3 4 12 होता है, तो माइनस का साइन है, तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा. अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, -12, ठीक है, ये हो गया हमारे पास. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, यानी x -12 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों. ध्यान से इसको देखिए, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, हमें जीरोस दिए हुए थे, उसके बाद हमें ये फॉर्मूला पता था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, हमने उसमें रखा, यहाँ देखिए ये ब्रैकेट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, हमने ऐड किया, यहाँ भी देखिए प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में, हमने प्रोडक्ट किया, ठीक है, फिर
फिर देखिए सॉल्व क्या, दिस इज आवर फाइनल आंसर. प्लीज डू सब्सक्राइब माय वीडियो. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स, फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा. ठीक है, ये है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, सीबीएसई 2015 में आया है. अब देखें, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इस चीज को हमें समझना होगा, इफ अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या करते हैं, इसमें सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट क्या है, बी है, क्या है, बी है, डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, ए, तो क्या हुआ, माइनस बी बाय ए, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सी, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाय ए. ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों हमारे पास, तो उसमें हम सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ जीरोज, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हैं. ठीक, अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है, गिवन पॉलिनोमियल यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री. ठीक है, पर एक जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. और गिवन हमारे पास ये है, ये जनरल है, ये चीज़ क्या है हमारे पास, जनरल पॉलिनोमियल है. तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके हमने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, वन है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन. एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, बी, बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस फोर रूट थ्री. सी कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका इसका कोफिशियंट सी क्या हो गया यहाँ पे, सी इज थ्री. ठीक है, ये हो गया. अब सम ऑफ जीरोज, हमने कहा यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, अब हम सम ऑफ जीरोज निकालें, मतलब हमने कहा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं. तो हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, तो क्या है, माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स, या इस तरह से रख दें बी, तो माइनस यहाँ पे, और बी की वैल्यू क्या है, माइनस फोर रूट थ्री. ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू क्या है, वन, दिस विल गिव यू व्हाट, पॉजिटिव ऑफ फोर रूट थ्री. क्लियर है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा डॉट बीटा सी बाय ए, थ्री बाय वन, दिस विल गिव यू प्लस थ्री. ठीक है, हमारे पास ये चीज आ गई, हमारे पास प्लस फोर रूट थ्री आ गया, हमारे पास थ्री आ गया. अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज दैट, फोर रूट थ्री, माइनस अल्फा बीटा क्या है, थ्री है. ठीक है बच्चों, यही हमारा फाइनल आंसर है. प्लीज वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए और चीजों को समझिए अच्छे से. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. क्वेश्चन दिया है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ एफ एक्स. ठीक है, एफ एक्स, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में आया है. चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, समझते हैं कैसे करेंगे. यहाँ पे देखिए एफ एक्स दिया है हमें, जीरोज फाइंड आउट करने, क्या फाइंड आउट करने, जीरोज फाइंड आउट करने. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स माइनस टू हो गया हमारे पास. ठीक है, इतना हमने लिखा. अब जीरोस फाइंड आउट करने, तो जो हमें एफ एक्स दिया होता है उसको क्या रखते हैं, इक्वल टू जीरो रख देते हैं. एफ एक्स को हम इक्वल टू जीरो रख देंगे. ठीक है, अब एफ एक्स को हमने जीरो के इक्वल रखा, देन व्हाट वी विल राइट हियर, हमने लिखा
एक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखिए एक्स क्या मिला, जीरो, और एक्स माइनस टू विल गेट एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू। एक्स एक्स माइनस टू को हमने किसके इक्वल रखा, जीरो के। एफ एक्स जीरो था, इसको हमने जीरो के इक्वल रखा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, और एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू। यही हमारे फाइनल आंसर है। जीरोस क्या हो गए, एक जीरोस हो गया एक्स इक्वल टू जीरो, एक जीरो हो गया एक्स इक्वल टू टू। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से बच्चों, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ द जीरोस जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल, ओके, जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल, और पॉलीनोमियल हमें क्या दिया है, पॉलीनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल 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 है इन वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है। इस पॉलीनोमियल का जो जीरोज है उसके, ये पॉलीनोमियल के जीरोज क्या है, डबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 में आया हुआ है। देखिए बच्चों, साफ सुथरी बात है, हमसे बोला है इफ द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर, मतलब इसके जो जीरोज हैं वो क्या है, आर डबल, क्या है, डबल है, डबल इन वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ इस पॉलीनोमियल के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री हमने लिखा। लेट द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल बी अल्फा एन बीटा देन, ठीक है, यहां लिखा सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, यहां लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा। देखिए बच्चों, यहां पे अगर हमने कहा ये हमारे पास पॉलीनोमियल है एफ एक्स, ये हमें दिया हुआ है एफ एक्स यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, और लेट द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल बी, हमने क्या माना अल्फा एंड बीटा, फिर हम लिखा सम ऑफ जीरोज लिखा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा, सम ऑफ जीरोज लिखा। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। इसको कंपेयर किया तो यहाँ पे देखो हमारे पास बी क्या है, माइनस फाइव है, तो माइनस माइनस फाइव, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए, ए कितना है टू, दिस विल गिव यू व्हाट, फाइव बाय टू, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है, अल्फा डॉट बीटा अभी हमने प्रीवियसली देखा सी बाय ए होता है, तो सी हमारे पास कितना है, माइनस थ्री, कितना आ गया, माइनस थ्री बाय टू हो गया, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा डॉट बीटा आ गया है, और ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया है, ठीक है बच्चों। इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर क्या है, इसके जीरोज क्या है, इस वाले पॉलीनोमियल के क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दुगने हैं। तो अगर इसके अल्फा हैं तो इसके क्या हो जाएंगे, टू अल्फा हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा अगर यहाँ पे बीटा है तो इसका दुगना है तो क्या हो जाएगा, टू बीटा, ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा इसको कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किया हमने तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वही माइनस बी बाय ए, ठीक है, तो माइनस पी बाय वन, दिस विल गिव यू माइनस पी, ठीक है, माइनस पी, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, और इसके जीरोज क्या है, टू अल्फा एंड टू बीटा, तो हमने यहाँ पे लिखा टू अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, टू कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
माइनस का पी हो गया यहाँ पे। अच्छा अब देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 5/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 5/2। हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखा क्या थी 5/2। माइनस पी यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल किया, माइनस पी इज इक्वल टू 5, दिस विल गिव यू पी इज इक्वल टू -5। इज दैट क्लियर, हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरीके से, ठीक है, ठीक इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाय ए, मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्यू है, क्यू और ए कितना है 1, ठीक है, हमने ये लिखा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बच्चों हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आया था -3/2, हम -3/2 को यहाँ रख देते हैं, देन दिस क्यू विल गिव यू -3/2, ठीक है, दिस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास क्या है -3/2, वहां था अल्फा डॉट बीटा था, बट सॉरी यहां पे इस चीज को समझिएगा, इस बात को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो पहले हमारे पास ये दुगने थे ना, 2 बीटा था 2 अल्फा था, 2 अल्फा डॉट 2 बीटा, ये हमने लिखा सी बाय ए, ये क्या हो गया 4 अल्फा बीटा हो गया, ठीक है, सी कितना है हमारे पास क्यू बाय 1। अब इसको समझिए 4 अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा कितना था, ये वैल्यू 3/2, -3/2 रखेंगे, -3/2 यहाँ पे ये क्यू हो गया, 2 2 4 क्यू, द वैल्यू ऑफ क्यू इज -6, ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहाँ पे हमारा क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो भी किसके लिए, इसके लिए था इस पॉलीनोमियल, तो इसके तो 2 अल्फा 2 बीटा है, तो हमने लिखा प्रोडक्ट 2 अल्फा 2 बीटा, तब हम इसको करेंगे, ठीक है, इसको समझिए सी बाय ए, यहाँ पे हमारे पास द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, पी की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है और क्यू की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शो दैट 1/2 n माइनस 3/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² प्लस 4x-3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप एंड कोफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में आया हुआ है, ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखते हैं बच्चों, देखिए लेट fx इज इक्वल टू 4x² प्लस 4x-3, ठीक है, और हमसे बोला क्या है 1/2 एंड -3/2 क्या है आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोज हैं हमसे ये बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर ये इसका जीरोज है तो हम क्या करेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स, अगर 1/2 इसका जीरोज है तो प्लेस ऑफ एक्स हम क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह 1/2 रखेंगे और देखेंगे अगर जीरो आ गया तो हम कहेंगे हाँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक। तो देखिए हम लोग इसको करते हैं, इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की प्लेस पे हमने क्या रखा 1/2 रखा, तो 4 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × 1/2 -3, वी गेट फ्रॉम हेयर 4 × 1/4 प्लस 2 -3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए 1 + 2 -3 दिस विल गिव यू व्हाट 1 + 2 3 - 3 दिस गिव्स यू 0। इसका मतलब क्या है, ये हमने दिखा दिया है कि 1/2 क्या है जीरोज है, किसका इस पॉलिनोमियल का, ये था शो दैट 1/2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। इसी तरह से -3/2 के लिए भी करेंगे हम लोग, ठीक है, चलिए एफ एक्स की प्लेस पे आप क्या रख देंगे -3/2 हमने रख दिया, 4 × -3/2 का स्क्वायर प्लस 4 × -3/2 -3 हमने रखा यहाँ पे, 4 × 3 = 9/2 प्लस यहाँ पे देखिए 4 2 से कैंसिल किया -6 ओके ये -3 2 2 9 = 18 हो गया -6 2 2 = 4 हुआ यहाँ पे 3 9 ये 4 हो गया सॉरी 4 से 4 कैंसिल हुआ ठीक है ये 9 बचा यहाँ पे हमारे पास ये 9 आएगा यहाँ पे 9 -6 -3 9 - 9 दिस विल गिव यू 0 ठीक है ये समझ में आया बच्चों अच्छे से देखिए इसको आगे
अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 एंड -3/2 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मतलब क्या था, हमें x की प्लेस पे ये जो प्रूफ करना था, दिखाना था 1/2 और -3/2 x की प्लेस पे हमें ये रखना था, यहाँ पे ये हमारा जीरो आ गया। फिर -3/2 रखा तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये कैंसिल किया यहाँ पे तो यहाँ से हमें 9 मिला। -6 -3 माइनस, ये देखें -9 -9 दिस विल गिव यू जीरो। तो ये प्रूव होता है कि 1/2 एंड -3/2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन में हमसे आगे की चीज़ क्या कही है कि वेरीफाई करो ये रिलेशनशिप एंड कोफिशियंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसकी रिलेशनशिप और कोफिशियंट ऑफ द वेरिफिकेशन करना है हमें। देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं, देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज लिखा, हमारे पास 1/2 है एंड -3/2, तो 1/2 -3/2 किया तो हमें ये क्या देगा -1। ठीक है, और हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन था, पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन था, पॉलिनोमियल हमें गिवन था 4x² + 4x - 3। ठीक है, अब इसी से हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, -b/a होता है, तो -4/4 हमने किया तो इससे भी हमें क्या मिल रहा है -1, तो -1 = -1, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, -1/2 × -3/2 हमने किया, दिस विल गिव यू -3/4। और इसी पॉलिनोमियल से अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो सी बाय होता है, सी कितना है -3/4, ये देखिए साफ साफ वेरीफाई हो गया। ठीक इसी तरीके से हमें दोनों चीज़ों को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो को अच्छे से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 - α, 1 + α एंड 1 - β डिवाइडेड बाई 1 + β। ये सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, अल्फा और बीटा क्या है इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। हमें इन जीरोज की मदद से हमें नया पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, हाउ टू फाइंड आउट दिस। देखिए सबसे पहले सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है 3x² + 2x + 1, इसके जीरोज क्या हैं अल्फा एंड बीटा, तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, दिस विल गिव यू -2/3 एंड अल्फा डॉट बीटा c/a यानी 1/3। हमारे पास ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, 1/3 एंड -2/3। नाउ फॉर द न्यू पॉलिनोमियल, नाउ फॉर द न्यू पॉलिनोमियल, भाई हमें न्यू पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालना है, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से हमें निकालना है न्यू पॉलिनोमियल, विद द हेल्प ऑफ जीरोस, 1 - α, 1 + β एंड 1 - β, 1 + β, इसकी मदद से। तो देखिए हमें इस न्यू पॉलिनोमियल के जीरोस क्या दिए, 1 - α, 1 + α दिया है, और दूसरा जीरोस क्या दिए हैं, दूसरे जीरोस दिए हैं 1 - β, 1 + β। तो सबसे पहले न्यू पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस करेंगे। ओके, 1 - α, 1 + α प्लस, भाई जीरोज यही दोनों तो हैं, यही दोनों तो हमारे पास जीरोज हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का सम करते हैं, 1 - β, 1 + β, इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 1 + α, 1 + β, 1 - α, यहाँ पे 1 + β, 1 - β, यहाँ पे 1 + α, मल्टीप्लाई किया 1 - α, 1 का मल्टीप्लाई इससे किया, फिर बीटा
माइनस अल्फा बीटा प्लस वन माइनस बीटा मल्टीप्लाई किया इसको, देखिए फिर अल्फा माइनस बीटा अल्फा, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी करते हैं मल्टीप्लाई, वन प्लस अल्फा बीटा अल्फा बीटा। यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्फा माइनस प्लस बीटा माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट लाइन में मिल रहा है टू माइनस टू अल्फा बीटा, वन प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा सम ऑफ जीरोज है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टू है माइनस टू है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अल्फा डॉट बीटा की वन बाय थ्री, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह पे। तो देखो हम यहाँ पुट करें, क्या है वन बाय थ्री हमने रखी, ठीक है। वन प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस टू बाय थ्री, हमने यहाँ पे इसको पुट किया माइनस टू बाय थ्री, ठीक है। प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्लस क्या था वन बाय थ्री, हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पे बच्चों बच्चा हमें ये क्या देता है देखते हैं, दिस विल गिव यू फोर बाय थ्री, टू बाय थ्री, दिस विल फाइनली गिव यू टू। ओके बच्चों ये हमें टू देगा, ठीक। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा और वन माइनस बीटा वन प्लस बीटा, ये है। इसको हमने लिखा वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा वन प्लस अल्फा वन प्लस बीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं, वन माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर में वन प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, फिर वन माइनस, इसमें माइनस कॉमन लिया है, अल्फा प्लस बीटा हो गया ये, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, यहाँ डिनोमिनेटर में वन प्लस अल्फा बीटा है ही, ये है ही पहले से अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वन माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस टू बाय थ्री, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या थी वन बाय थ्री, हमने यहाँ पे पुट कर दी इस वैल्यू, माइनस टू बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री, हमने यहाँ पे इसको रखा। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या देता है हमें। आफ्टर सॉल्विंग दिस टू बाय थ्री वन बाय थ्री वन माइनस टू बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री, दिस विल गिव यू सिक्स बाय थ्री एंड टू बाय थ्री हो जाएगा यहाँ पे, ये आएगा थ्री, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या दे रहा है थ्री, और सम ऑफ जीरोज क्या दे रहा है टू। अच्छा हमें क्या बनाना है, न्यू पॉलिनोमियल, किसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, न्यू पॉलिनोमियल के लिए, किसके लिए, फॉर द न्यू पॉलिनोमियल, नए पॉलिनोमियल के लिए। तो नया पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास प्रोडक्ट है और सम है। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया है, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना आया है, सम ऑफ जीरोस आया था टू, हमने यहाँ पर लिखा टू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया थ्री, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए बहुत अच्छे से, ठीक है। कैसे हमने किया है इसको, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन था, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर दिस। अल्फा और बीटा जो थे वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज थे, तो हमें सिंस अल्फा एंड बीटा दिया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला माइनस टू बाई थ्री और अल्फा बीटा निकाला वन बाई थ्री। इस पॉलिनोमियल के हमने सम और प्रोडक्ट सॉल्व किया। फिर न्यू पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या किया, जो हमें जीरोज दिए थे जीरोज का हमने सम किया प्रोडक्ट किया, ठीक है, दोनों से हमने निकाला, फिर ये जो फाइनल इक्वेशन थी हमारे पास इसमें हमने पुट कर दिया सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल,
ओके बच्चों, 9x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 4, इफ टू ऑफ इट जीरोज आर, टू ऑफ इट जीरोज आर 2n-2, और इसे सीबीएसई 2015 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऑल अदर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इफ टू ऑफ इट जीरोज, अगर इस पॉलीनोमियल के दो जीरोज हमें दिए हुए हैं, हमें और अदर जीरोज निकालने हैं। हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं हम लोग। एज एक्स इज इक्वल टू 2n-2 आर द जीरोज ऑफ 9x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 4, ठीक है। सो x माइनस 2 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ ये पॉलीनोमियल जो ऊपर वाला है। कहने का मकसद ये है कि अगर x इक्वल टू 2n-2 जीरोज हैं इस पॉलीनोमियल के, तो x इक्वल टू 2 है हमारे पास यहाँ पे, जब x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू 2 है बच्चों, इक्वल टू 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से x माइनस 2 है तो x इक्वल टू माइनस 2 है, x इक्वल टू माइनस 2 है तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि x माइनस 2 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो नाउ x माइनस 2 x प्लस 2 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 4, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये फैक्टर है किसका, इस पॉलीनोमियल का, जो गिवन पॉलीनोमियल का ये क्या है, फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड्स 9x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 4, ठीक है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। करते हैं, देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9x की पावर 4 है या एक्स स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 9x की पावर 4, 9 4 36 x स्क्वायर माइनस 36 x स्क्वायर, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, इसको साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या मिलता है, माइनस 6x क्यूब, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 4, ठीक है। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको, इसको से माइनस 6x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, माइनस 6x से करें, माइनस 6x से किया तो हमें मिलता है माइनस 6x क्यूब, ठीक है, और क्या मिलेगा, प्लस 24x, प्लस 24x, सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गया, यहाँ से 24x भी कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 4 मिला। अब किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, प्लस 1 किया हमने तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिला, साइन चेंज किया, प्लस का हो गया, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिला, 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें ये मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको डिवाइजर को और क्वेश्चन को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं कि 9x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 35x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 4, कैसे, डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइजर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्वेश्चन क्या आया है, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, हमारे पास ये आया है यहाँ पे। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, 9x स्क्वायर को हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 1, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2,
नाइन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ये है, तो हमने क्या किया, थ्री एक्स कॉमन लिया इससे, तो थ्री थ्री जा नाइन होता है, थ्री एक्स अंदर आ गया, माइनस वन हो गया, फिर माइनस साइन कॉमन लिया माइनस वन, तो थ्री एक्स माइनस वन हो गया, ठीक है। तो ये मिला एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, थ्री एक्स माइनस वन एंड थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस टू को इक्वल टू जीरो रखते हैं, एक्स प्लस टू को इक्वल रखा जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू हमें दे रहा है, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो रखते हैं तो क्या देता है, एक्स इक्वल टू टू देता है, ठीक है। अब जैसे इसी तरह से थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या देगा, वन बाय थ्री देगा। देखिए एक्स इक्वल टू टू दे रहा था, तो हमारे पास क्या बोला था, माइनस टू और टू आर जीरो, तो हमने एक्स प्लस टू रखा था ये इसी तरह से, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू, और इसको देखते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, एक्स इक्वल टू वन बाय थ्री मिलता है, ठीक है। अदर टू जीरोज आर वन बाय थ्री एंड वन बाय थ्री, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, अदर टू जीरोज हमारे वन बाय थ्री एंड वन बाय थ्री आए हैं, और हमने इसको कैसे किया है, सबसे पहले इस बात को समझिए, ठीक है। हमारे पास ये दिया हुआ था, ठीक, यहाँ पे हमने इसको इससे डिवाइड किया है, और कोशियन जो है हमारा, ये डिवाइसर जो है और कोशियन दोनों मिलके हमें क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो वही काम हमने किया, ये थ्योरी हमें पहले से पता है कि ये देखिए हमारा जो डिविडेंड था, डिवाइसर और कोशियन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है, तो उसी की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया, इसका फैक्टर किया यहाँ पे, और हमारे पास अदर टू जीरोज आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके बार बार देखें। If the polynomial is divided by another polynomial, अगर ये polynomial जो है इससे divide किया जा रहा है, मतलब ये divisor है और ये dividend है, the remainder comes out to be x plus a, मतलब अगर इसको हम divide करते हैं इससे, तो remainder जो है वो x plus a आता है, then find k and a। बच्चों देखो हम इसको divide करेंगे तो जो भी हमारा remainder आएगा उसकी help से हमें यहाँ पे दिया है x plus a remainder है, उसके remainder के equal रख देंगे, इस जो रिमाइंडर आएगा उसको x प्लस ए के इक्वल रख देंगे, उसी की हेल्प से हम k और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 और 15 में आया भी है, और मैक्सिमम ईयर्स में आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के, हमने डिवाइड किया x की पावर 4 माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10 हमने किया, तो सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक्स की पावर 4, ठीक है, माइनस टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर हमको दे रहा है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, दिस विल गिव अस माइनस फोर एक्स क्यूब, माइनस फोर एक्स क्यूब दे रहा है प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स। अब किससे मल्टीप्लाई करें, नाउ माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, फोर एक्स से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट माइनस फोर एक्स क्यूब एट एक्स स्क्वायर, ओके, एट एक्स स्क्वायर माइनस फोर के एक्स, हमने यहाँ पे लिखा है, इसको किया हमने सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिल रहा है एट माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस फोर के माइनस 25 एक्स प्लस 10, ठीक है। फिर हमने अब इसको मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 8 माइनस के से करके देखते हैं, हो जाएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर वहाँ पे है, ठीक है, 8 माइनस के से हमने किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 8 माइनस के एक्स प्लस 8 माइनस के। फिर हमने इसको साइन चेंज किए, यहाँ पे साइन चेंज हुआ, ये प्लस का हुआ, ठीक है, इसको किया तो दिस विल गिव अस 2k माइनस 9 एक्स माइनस 8 माइनस के प्लस 10, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, एक्स स्क्वायर था x में आ गया, इतना ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवीजन में यहाँ पे ये देख लीजिए 16 माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो ये कैसे सॉल्व किया है, 16 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और अब ये क्या है,
एट एक्स स्क्वायर पर माइनस साइन हो गया है, तो माइनस एट एक्स स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू व्हाट, एट एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एट माइनस के जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसी तरह से इसको देख लीजिए, हमने कैसे किया, माइनस 25x प्लस 4kx, यहाँ से x कॉमन लिया, 4k माइनस 25 हो गया हमारे पास, वही हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से सॉल्व करके ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे, ठीक है, हमारा रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आने के बाद बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या किया था, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए, और ये जो रिमाइंडर आया है इसको x प्लस ए के इक्वल रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2k माइनस 9x, ठीक है, देखिए 2k माइनस 9 माइनस 8 माइनस k, यहाँ पे k प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस ए, ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है। इसको हमने आपस में इक्वल रख दिया है, कोफिशियंट मैच करा था, एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट, ठीक है, ए ए हमारा पूरा ये हिस्सा ए हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, 2k माइनस 9, 2k माइनस 9 विल बी इक्वल टू 1, दिस विल गिव यू 2k इज इक्वल टू 10, k विल गिव यू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k इज 5, ठीक है। इसी तरह से a, a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस 8 माइनस k, k प्लस 10, a विल बी इक्वल टू माइनस 8 माइनस 5, वैल्यू रख देते हैं 5 प्लस 10, दिस विल गिव यू माइनस 3 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। k की वैल्यू 5 आ गई है, ए की वैल्यू माइनस 5 आई है, ठीक है। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है जो हमें निकालना था, ठीक है। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। राम मदर हैज गिवन हिम मनी टू बाय सम बॉक्सेस मार्केट फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ दिस, हर बॉक्स कि जो कीमत है, रेट ऑफ मार्केट में क्या है बॉक्सेस का, एक बॉक्स का रेट क्या है, वो ये है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, जो उसकी मदर ने उसको पैसा दिया है वो कितना है, ये है, आउट ऑफ दिस मनी ही डोनेटेड सम अमाउंट टू चाइल्ड हु वाज स्टडिंग इन स्ट्रीट लैम्प, जो कि एक स्ट्रीट लैम्प में एक बच्चा पढ़ रहा था, उसको कुछ अमाउंट इसमें से दे दिया, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी ही डोनेटेड एंड परचेज हाउ मैनी बॉक्सेज फ्रॉम द मार्केट, और उसने ऐसा क्यों किया, वाई राम डिड सो, ओके। तो देखिए सिर्फ बात सिंपल सी है, देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए, हम लिखते हैं लेट पी एक्स, पी एक्स 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 7x माइनस 8, ठीक है, जी एक्स रेट ऑफ द ईच बॉक्स, हमने कंसिडर किया क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल समझिएगा, यहाँ पे हमें करना क्या है, सिंपल सा एग्जांपल क्या है, जैसे हमने एक पेन की कीमत, वन पेन की कीमत है 50 रुपये, ठीक है, और हमारे पास 100 रुपये हैं, तो अब हम पेन कितने पेन खरीद सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 100/50 वी गेट 2 पेन, ठीक है, यही तो होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक पेन की कीमत ये है समझ लीजिए, और टोटल पैसे कितने हैं, ये 100 हो गया और ये 50 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है, और वो डिविडेंड हो गया। चलिए डिवाइड करते हैं इसको, देखते हैं कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर से करेंगे, व्हाट यू विल गेट, 8x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट साइन चेंज, प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास 8x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 7x, फिर किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे प्लस 2x से करेंगे, 2x से किया तो 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, माइनस
देखिए 4x² क्या मिलेगा हमें, -4x² +11x -8, ठीक है -8। यहाँ पे हमारे पास -8 होना चाहिए, देखिए ऊपर ये है इसी को देखते हुए मैंने रखा, यहाँ पे -8 आना चाहिए। अच्छा अब देखिए अब किसे करें, -1 से करते हैं, -1 से किया व्हाट वी गेट -4x² -3x +2, साइन चेंज, प्रॉपरली साइन चेंज किया हमने, ठीक है ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है व्हाट वी गेट 14x -10। ये एक्स स्क्वायर था, पावर x की कम हो गई, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्यू एक्स, ये हमारा क्या है, कोशियंट है, ठीक है। तो कोशियंट भाई देखिए 150 डिवाइड किया 2 आया, तो ये क्या है नंबर ऑफ पेंस है, तो ये क्या हो गया नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो गया हमारे पास 2x² +2x -1, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास क्या है 14x -10, ठीक है। ये रिमाइंडर जो है अमाउंट डिनोटेड बाय राम, यही बचा हुआ पैसा जो राम ने क्या किया बच गरीब बच्चे को दिया है जो स्ट्रीट लाइट पे पड़ रहा था, ये रिमाइंडर अमाउंट डोनेटेड, ठीक है यही अमाउंट हमने डोनेट किया है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू क्या है, उसने ऐसा क्यों किया होगा, जैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन काइंडनेस, ड्यू टू काइंडनेस, ठीक है ड्यू टू काइंडनेस, हेल्प फुलनेस, ठीक है वेल विशर, या प्रमोटिंग एजुकेशन, ठीक है प्रमोटिंग आप लिख सकते हैं प्रमोटिंग एजुकेशन, एजुकेशन जैसे कि हम कर रहे हैं, ठीक है ओके बच्चों प्लीज़ वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके प्लीज डू सब्सक्राइब।